इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.3, उसने दिया हुआ है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे जो है 6 है, 1 to 5 जो है लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे डायरेक्टली जो है सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो है हमें इसे सॉल्व करना है। साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स है, बट हमें जो है यहाँ पे फार्मूला कौन सा पता है, टू साइन ए साइन बी है। टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। हमने जो है फार्मूले भी आइडेंटिटीज भी देखा है, जिसकी लिंक भी आपको जो है मिल जाएगी। तब यहाँ पे जो है साइन एक्स है, साइन टू एक्स है, साइन थ्री एक्स है, जबकि फार्मूले में टू है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है टू से करते हैं। 1/2 ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे जो है टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अब जो है यहाँ पे टू साइन ए साइन बी के फॉर्म में आ गया, जिसका फार्मूला यहाँ पर जो है जिसका फार्मूला ये है। तो अब हमें जो है इसे सॉल्व करना है। तो सबसे इस साइन एक्स और इस साइन थ्री एक्स को जो है मैं लेता हूँ, ये साइन टू एक्स जैसे का वैसे ही रह, जैसे का वैसे ही 1/2 इंटीग्रेट टू साइन ए साइन बी, फार्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस थ्री एक्स मीन्स कॉस माइनस टू एक्स होता है, और कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है, तो ये जो है कॉस टू एक्स हुआ। यहाँ पर जो है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, जबकि यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, तो टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस थ्री एक्स यानी माइनस टू एक्स है, जो कि प्लस टू एक्स होता है, फिर माइनस जैसे का वैसा कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री एक्स क्या होता है, फोर एक्स होता है, फोर एक्स। ये साइन ये जो है साइन टू एक्स, इसको हम जो है फार्मूला अभी अप्लाई नहीं करें, साइन एक्स साइन थ्री एक्स करे थे, ये साइन टू एक्स जैसे का वैसा ये डी एक्स। अब क्या करते हैं, इस साइन एक्स को जो है इस ब्रैकेट से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेट कॉस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स माइनस कॉस फोर एक्स इंटू जो है साइन टू एक्स, टू एक्स और ये डी एक्स है। अब हम जो है इसे सेपरेट लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेट कॉस टू एक्स साइन टू एक्स डी एक्स माइनस ये 1/2 इंटीग्रेट कॉस फोर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स, यहाँ पे हम जो है सेपरेट लिए। अब इसे हमें जो है सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस टू एक्स साइन टू एक्स है, कॉस फोर एक्स साइन टू एक्स है, हमें जो है और एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी है, वो टू कॉस ए साइन बी, फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, तो फार्मूले में टू है, तो यहाँ पर जो है अगेन जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है टू से करना है, तो ये टू से मल्टीप्लाई और ये यहाँ से टू से डिवाइड, ये फोर होता है, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, टू से मल्टीप्लाई और टू से यहाँ पर डिवाइड करना है। अब इसे सॉल्व करना है, यहाँ पर जो है टू कॉस ए साइन बी, फार्मूला क्या है, टू कॉस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, ये फार्मूले से जो है इस इक्वेशन को जो है हमें सॉल्व करना है। तो करते हैं, बहुत ही सिंपल है, 1/4 इंटीग्रेट टू कॉस ए साइन बी, फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी टू एक्स फोर एक्स माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी टू एक्स माइनस टू एक्स, टू एक्स माइनस टू एक्स जो कि जीरो होता है, डीएक्स जैसे का वैसा माइनस 1/4 इंटीग्रेट टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स माइनस, फार्मूले में माइनस है, माइनस क्या है फार्मूला, साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी फोर एक्स माइनस टू एक्स टू एक्स टू एक्स इंटू डी एक्स ये होल ब्रैकेट इंटू डी एक्स।
अब हम इसे जो है बहुत ही सिंपल मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये 1/4 है जैसे का वैसा, ये साइन 2x माइनस 2x ये पूरी वैल्यू जो है जीरो होती है यहाँ पर, तो ये जो रिमेनिंग बचा साइन 4x dx माइनस, यहाँ पे हम इसे साथ ही साथ सेपरेट भी ले रहे हैं, 1/4 साइन 6x इंटू डी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है प्लस, 1/4 इंटीग्रेट साइन 2x dx। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे साइन 4x है, साइन x का हमें इंटीग्रेट पता है, क्या है साइन x का इंटीग्रेट साइन x dx क्या होता है cos x प्लस c, जो c से स्टार्ट होते हैं इंटीग्रेट में वो माइनस से होते हैं, तो इसका आंसर माइनस cos x प्लस c है। इसे सॉल्व करते हैं, 1/4 जैसे का वैसा, साइन x का क्या होता है माइनस cos 4x, फिर यहाँ पर जो है 4x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में 4 होता है जो कि अपॉन में लिखते हैं, ये अपॉन में 4, माइनस 1/4 साइन 6x है, साइन 6x का जो है 1/4 यहाँ पे जो है इंटीग्रेट है, यहाँ पर 1/4 साइन 6x है, तो साइन 6x का क्या होता है माइनस क्रॉस, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है क्रॉस 6x, अगेन 6 जो है रेसिप्रोकल में आता है, प्लस 1/4 साइन का क्या होता है माइनस होता है, तो ये प्लस जाकर जो है ये माइनस होता है, माइनस साइन का क्रॉस 2x, अगेन जो है 2 जो है रेसिप्रोकल में आता है, ये 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू c। इसे सॉल्व करो आप तो फाइनल आंसर आएगा माइनस cos 4x अपॉन 4 इंटू 4 16 प्लस cos 6x अपॉन 6 इंटू 4 24 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू c, ये अपने पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसने दिया हुआ है साइन 4x साइन 2 साइन 8x dx, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, साइन ए साइन बी, जबकि फार्मूले में क्या है 2 साइन ए साइन बी है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है 2 से करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है 2 से करते हैं जैसे अभी हमने किया था। अब ये जो है यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी, फार्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है, हमें आइडेंटिटी जो है अच्छे से आना चाहिए, जिस पे हमने अलग से वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 जैसे का वैसा इंटीग्रेट 2 साइन ए साइन बी, फार्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी, 4x माइनस 8x तो माइनस 4x होता है जो कि क्रॉस जो है प्लस ही लेता है, यहाँ पर जो है क्रॉस माइनस थीटा क्या होता है क्रॉस थीटा होता है प्लस में होता है, तो 4x में माइनस 8x माइनस 4x होता है जो कि यहाँ पे प्लस में ही आता है, फार्मूले में माइनस है क्रॉस ए प्लस बी है, क्रॉस ए प्लस बी 4x प्लस 8x मीन्स 12x 12x dx। अब क्या करते हैं इसे सेपरेट इसको सेपरेट लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेट cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेट 1/2 इंटीग्रेट cos 12x dx। अब हमें जो है cos का इंटीग्रेट पता है, क्या है साइन है, इंटीग्रेट cos x dx क्या है फार्मूले में हमने देखा है cos का क्या है साइन x प्लस c, ये फार्मूला है। अब इसको रखते हैं 1/2 जैसे का वैसा, cos 4x है तो ये होगा sin 4x, अगेन 4 का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में 4 होता है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल में अपॉन में आता है, माइनस 1/2 जैसे का वैसा cos 12x का क्या होता है sin 12x होता है, अगेन 12 का जो कि अपॉन में आता है प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू c। इसे आप और भी सॉल्व करो, 4 इंटू 2 भी हो जाए, साइन 4x अपॉन 4 इंटू 2 8 माइनस साइन 12x 2 इंटू 12 24 प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू c, अपने पास आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, उसने दिया हुआ है इंटीग्रेट 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x dx, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज। अब हमें 1 माइनस cos x क्या है फार्मूला पता है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 माइनस cos x जो है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, और यहाँ पे 1 प्लस cos x है जो कि 1 प्लस cos x क्या है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है, ये कैसे आता है हमने आइडेंटिटी में देखा था हमने ये फार्मूला, तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेट 1 माइनस cos x क्या है 2 sin स्क्वायर x बाई 2
अपॉन वन प्लस कॉस एक्स कितना है, वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब क्या हो रहा है, टू से टू कैंसिल हो रहा है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो इंटीग्रेट टैन टैन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब जो हम इसे डायरेक्ट जो है सॉल्व नहीं कर सकते, तो टैन एक्स को हम कैसे लिखते हैं, टैन स्क्वायर एक्स को जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये भी एक आइडेंटिटी है, तो टैन एक्स को जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन से भी जो है यानी लिख सकते हैं, फार्मूला उसकी आइडेंटिटी है, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स। अब क्या होगा यहाँ पे, इसे जो है सेपरेट लेते हैं, तो ये होगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट वन, वन कॉन्स्टेंट है बाहर डी एक्स। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेट पता है, क्या है इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, टैन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। तब हमें यहाँ पे जो है इसका इसका डिफरेंशिएट क्या इंटीग्रेट क्या होता है, टैन टैन एक्स एक्स की जगह पर यहाँ पे एक्स बाई टू है, अगेन जो है एक्स बाई टू का जो है डिफरेंशिएट जो कि वन बाई टू होता है जो अपॉन में लिखते हैं हम, माइनस वन जो है इंटीग्रेट में उसका जो है डिफरेंस वन का जो है एक्स होता है प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। अब ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, तो इसका फाइनल आंसर जो है टू टैन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू सी, ये अपना आंसर है। हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, वन माइनस कॉस एक्स को जो है यहाँ पे ये फार्मूला था और वन प्लस कॉस एक्स का ये था उसकी आइडेंटिटी, साइन बाई कॉस टैन होता है, देन हम टैन को जो है ये आइडेंटिटी फिर हम यहाँ पे यूज़ करें क्योंकि डायरेक्ट हम टैन को जो है इंटीग्रेट नहीं कर सकते, फिर तो ये इसमें ये फॉर्म में आ गया, फिर हम यहाँ पे सेपरेट ले लिए, लेने के बाद सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट में आया सेक स्क्वायर इंटीग्रेट सेक स्क्वायर टैन एक्स है, तो टैन यहाँ पे एक्स बाई टू फॉर्म में था, अगेन इसका जो है डिफरेंशिएट वन बाई टू और ये टू जो है यहाँ पे ऊपर, तो मीन्स फाइनल आंसर ये है अपना। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, दिया हुआ है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, वन प्लस कॉस एक्स जो है उसका फार्मूला है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्म हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऊपर कॉस एक्स है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम जो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन इन न्यूमेरेटर, यानी न्यूमेरेटर में जो है हम वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है इंटीग्रेट वन माइनस वन, ऐड भी कर रहे सब्ट्रैक्ट यानी माइनस भी कर रहे, प्लस कॉस एक्स क्या है प्लस में है, कॉस एक्स अपॉन क्या है वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, वन ऐड भी करे सब्ट्रैक्ट भी करे न्यूमेरेटर में, वन ऐड भी करे माइनस भी करे, ये कैंसल आउट होने के बाद अगेन कॉस एक्स ही होता है। अब इसे जो है सेपरेट लेते हैं हम, कैसे लेते हैं इंटीग्रेट वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन भी वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, हम इसे जो है सेपरेट लिए, तो रिमेनिंग क्या बचा माइनस माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम यहाँ पे क्या करें, ये वन और ये प्लस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स, तो रिमेनिंग माइनस बचा, माइनस से इंटीग्रेट वन बाई वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिए। अब ये यहाँ से जो है वन प्लस वन वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स कैंसिल होता है, तो यहाँ पे जो बचता है वन डी एक्स बचता है, माइनस इंटीग्रेट वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, फार्मूला क्या है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है फार्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वन बाई कॉस है तो यह है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये वन बाहर लेकर डी एक्स माइनस ये टू जो है अपॉन में है, तो इसको इंटीग्रेट के बाहर लेते हैं वन बाई टू, इंटीग्रेट वन बाई कॉस है तो इसका जो है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स होता है। अब हमें जो है सेक स्क्वायर यानी इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पता है, क्या है टैन एक्स प्लस सी है, टैन एक्स प्लस सी है, उसको रखते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा, तो वन का जो है इंटीग्रेट एक्स होता है माइनस वन बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स क्या है टैन एक्स है, टैन
एक्स नहीं है, एक्स बाई टू है। अगेन जो है एक्स बाई टू का जो है डिफरेंशिएट होता है वन बाई टू है, जो कि यहाँ पे लिखते हैं वन बाई टू, और ये जो है टू जो है ये टू कैंसिल होता है प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेट सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स अगर दिया तो इसका फार्मूला क्या है, इसका टैन एक्स प्लस सी, बट यहाँ पे ए एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में ए होता है जिसको हम अपॉन में लिखते हैं। तो ये सॉल्व, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, एक्स माइनस टैन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू सी, अपने पास फाइनल आंसर आ गया। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उसने दिया हुआ है इंटीग्रेट साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता है, बट यहाँ पे जो है साइन की पावर 4 है, तो सिंपल है इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट साइन साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर है और जो है होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो एक्स की पावर 4 ही होता है। तो हम यहाँ पे वही करें, साइन स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट की स्क्वायर डी एक्स, हमें जो है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाई 2 है। ये फार्मूला कैसे आया, हमें जो है फार्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। कॉस 2x का फार्मूला है, हमने आइडेंटिटी में देखा था, कॉस 2x का फार्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स लेना है, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स लेना है इसको जो है यहाँ पर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में होता है और यहाँ पे 1, और ये जो है यहाँ पे माइनस में जाता है, माइनस कॉस 2x होता है। हमें साइन स्क्वायर एक्स लेना है, ये 2 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई में था तो यहाँ से डिवाइड में आता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फार्मूला ऐसे आता है ये फार्मूला। तो हाँ, अब हमें जो है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है, रखते हैं वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है, उसमें रखते हैं इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करते हैं, अब जो है ये जो 2 है इसको ब्रैकेट, इसका भी स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है जिसको इंटीग्रेट के बाहर लेते हैं 1 बाई 4, तो ये रिमेनिंग इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे वह ए माइनस बी का फार्मूला हमें पता है, ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो फार्मूला रखते हैं 1 बाई 4 इंटीग्रेट ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab क्रॉस 2x dx। यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे जो है फार्मूला अप्लाई हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर 1 है 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab कॉस 2x dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है तो कॉस स्क्वायर x का एक फार्मूला है, कौन सा है फार्मूला, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है। ये फार्मूला कैसे आया, जैसे हम यहाँ पे कॉस 2x लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिए, इसका और एक फार्मूला है, कौन सा है फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 है, तो उससे जो है कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिए। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर x है इसमें ये वैल्यू जो रखते हैं हम, और ये सॉल्व हो जाएगा 1 बाई 4 इंटीग्रेट 1 प्लस, ये 1 जैसे का वैसा प्लस कॉस स्क्वायर 2x है, तो कॉस स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है, तो ये यहाँ से 1 प्लस कॉस 2x कॉस ये 2 जैसे का वैसा, और यहाँ पे जो है 2x था अपॉन में क्या है 2 है अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करें कि कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला ये था बट यहाँ पे 2x था, तो हम ये 2 लिए और x की जगह पे 2x रखे हैं। अब जो है यहाँ पर जो है ये 1 ये 2 जो है अपॉन में है, तो इसको जो है सेपरेट लेते हैं, देखते हैं 1 बाई 4 इंटीग्रेट ये 1 जैसे का वैसा प्लस 1 बाई 2 दिस अपॉन दिस 1 बाई 2 प्लस कॉस 2 इंटू 2 4 4x अपॉन 2,
हम यहाँ पे जो है सेपरेट लिए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, माइनस टू क्रॉस टू एक्स होल ब्रैकेट डी एक्स। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूले जितने भी यहाँ पे हम लिखे थे इसको थोड़ा रब करते हैं, यहाँ पर स्पेस मिले। तो अब इसका जो है आंसर देखते हैं। अब हम 1/4 जैसे का वैसा 1/4 इंटीग्रेट, यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई और प्लस, 2 × 1 2 + 1 यानी 3/2 होता है, 3/2 प्लस कॉस 4x/2 कॉस 4x/2 माइनस 2 cos 2x जैसे का वैसा इंटू डी एक्स। अब हम इसे जो है सेपरेट लेते हैं, इसको जो है सेपरेट लेते हैं, तो ये होगा 3/8 इंटीग्रेट डी एक्स। ये 1/4 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, हम सेपरेट ले रहे हैं। 3/4 × 2 8 डी एक्स प्लस क्रॉस 4x अपॉन 4 × 2 8 होता है, यहाँ भी इंटीग्रेट है डी एक्स, माइनस इंटीग्रेट 2 cos 2x अपॉन में ये 4 है जो कि यहाँ पे इंटीग्रेट के बाहर लेते हैं हम 1/4, यहाँ पे डी एक्स, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल, हमें पता है 3/8 कांस्टेंट है जैसे का वैसा, इंटीग्रेट डी एक्स क्या होता है, x होता है, प्लस cos 4x का क्या है, sin 4x है, अपॉन का एट जैसे का वैसा, अगेन जो है 4x का डिफरेंशिएट क्या होता है, x होता है, जो कि हम यहाँ पे जो है डिवाइड में लिखते हैं 4, माइनस ये 1/4 जैसे का वैसा, 2 जो है यहाँ पे कांस्टेंट था तो यहाँ पे 2 लो आप, sin cos 2x है तो क्या होता है, sin 2x होता है, और 2 का क्या होता है, अपॉन में 2 होता है, 2x का 2 होता है, प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू c। अब ये 2 कैंसिल करो आप, फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया, 3/8 x प्लस sin 4x अपॉन 32, 8 × 4 = 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू c, अपने पास आंसर आ गया। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे से जो है इसे सॉल्व किया है, उसने दिया था sin की पावर 4x dx दिया था, बट हमें जो है sin square x की आइडेंटिटी अपने पास है और cos square x की भी आइडेंटिटी अपने पास है, तो हम क्या करें, sin की पावर 4 था तो sin square और होल ब्रैकेट स्क्वायर लिए, देन हम जो है यहाँ पर जो है ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी जो है लगाने के बाद ये फॉर्मेट में आ गया, देन यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर था तो उसको 1/4 बाहर लिए, 1 − cos 2x था स्क्वायर था, तो यहाँ पर a − b का फार्मूला जो अभी मैंने रख किया उस वो यहाँ पर अप्लाई होने के बाद ये फॉर्मेट में आ गया। फिर हम क्या करें, cos square 2x था तो यहाँ पे cos square x का फार्मूला पता था, 1 + cos 2x/2 था, तो यहाँ पे जो है 1 + cos 2 2x तो एक cos 4x होता है। फिर हम यहाँ पे जो है दिस अपॉन दिस करें, 1/2 + cos 4x/2 दिस अपॉन दिस करें, फिर इसे जो है सॉल्व करने के बाद जो है फाइनल अपने पास आंसर ये है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट करो।